सेक्स लाइफ में यह गलतियां मत करना और यह गलतियां करोगे तो बीबी संतुष्ट नहीं होगी, इसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। बहुत लोगों की कंप्लेंट ऐसी होती है कि हमारे या मेरे वाइफ को इंटरेस्ट कोर्स के लिए खुद मनाना पड़ता है, उसको पूछना पड़ता है, वो ना बोलती है, उसको इच्छा ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसी कंप्लेंट रहती है। उसके कुछ रीजंस हैं। आदमी लोग बहुत गलतियां करते रहते हैं और वो गलतियों के कारण औरतों को इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो क्या गलतियां होती है वो हम देखेंगे आज, ताकि वो गलतियां भी डालेंगे तो डेफिनेटली स्त्री भी इंटरकोर्स में इंटरेस्ट लेंगी। तो गलती नंबर एक, शाम के बाद में तू तू मैं करके कभी झगड़ा नहीं करना है। यदि कुछ झगड़ा होता है, छोटी छोटी बात के ऊपर शाम के बाद में झगड़ा होता है, तो रात को इंटरकोर्स बराबर होता नहीं, वो ना बोलती है, उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो शाम के बाद में कुछ भी हो जाए, कितना भी डिफरेंस हो, ओपिनियन हो जाए, शाम के बाद में झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है पत्नी के साथ में। नंबर दो, सेक्स मतलब सिर्फ इंटरकोर्स नहीं है। सेक्स मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिंग का योनि में प्रवेश करना, वो इंटरकोर्स नहीं है। सेक्स में फोर प्ले होता है, इंटरकोर्स होता है, आफ्टर प्ले होता है, तो ये पूरा सेक्स है। ऐसा नहीं है कि बस बेड पर गए, इंटरकोर्स किया, बाजू हो गए, तो ये सेक्स होता नहीं है, किया है तो संतुष्ट होती नहीं है, और ये गलती काफ़ी लोग करते रहते हैं। नंबर तीन, पत्नी को शाम के बाद में जरा रिलैक्स करो, उसके साथ में बातचीत करो, उसको सुनो, ताकि उसको लगेगा कि मेरा पति मेरी सुनता है, मुझे पूछता है दिन भर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बारे में चर्चा करता है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कुछ भी पूछते नहीं है, बातचीत नहीं करेंगे, लेट घर पे आएंगे, खाना खाएंगे, तुरंत बेड पर जाएंगे, तो वो उससे संतुष्ट होती नहीं है। नंबर चार, इंटरकोर्स की शुरुआत जो है वो 2-3 घंटा पहले से होनी चाहिए, 4 घंटा पहले से होनी चाहिए। मतलब शाम से आप अच्छी बातचीत करते हो, घर में यदि समझो आप है तो उसको टच करते हो, बीच में हक करते हो, मतलब उसको शुरुआत से ही लगना चाहिए कि नहीं उसको इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, या वो स्टिमुलेट हो जाएंगी, या उसकी इच्छा शुरुआत हो जाएंगी। तो इंटरकोर्स की शुरुआत बेड से नहीं, मतलब बेडरूम में जाने के बाद में नहीं होना चाहिए, इंटरकोर्स की शुरुआत शाम से होना चाहिए, छोटे छोटे इंडिकेशन देके, छोटे छोटे हिंट देके। नंबर पांच, हर बार उसको पूछो कि भाई संतुष्ट हुई कि नहीं हुई। क्या होता है कि काफी लोगों को हमारे जो एनालिसिस है, हमने जो स्टडीज के बाद में हमको मालूम पड़ा कि कम से कम 80-90% लोगों ने यह कंप्लेंट किया है कि उनका जल्दी हो जाता है। यदि शीघ्र पतन है तो नेचुरली पत्नी संतुष्ट होती नहीं है और फिर वो इंटरेस्ट लेती नहीं है। तो हर बार उसको पूछो कि संतुष्ट हुई क्या, उसका समाधान हुआ कि नहीं हुआ, और समाधान हुआ नहीं है तो उसको समाधान करके देना आपका काम है, या उसके साथ साथ शीघ्र पतन का इलाज भी करना जरूरी है। समझो शीघ्र पतन है और वो संतुष्ट नहीं हुई है, तो उसका क्लाइट्रल स्टिमुलेशन करके, फिंगरिंग करके उसका संतुष्ट करना जरूरी है। नंबर छः, आफ्टर प्ले करो। क्या होता है कि एक बार इजैकुलेशन हो गया, पतन हो गया, तो तुरंत जो है पुरुष बाजू में हो जाता है और सो जाता है, तो स्त्री को ऐसा लगता है कि मेरा वापर कर लिया, मुझे इस्तेमाल कर लिया, और वो फिर संतुष्ट रहती नहीं है, उसको मतलब वो दुखी हो जाती है, उसको अच्छा नहीं लगता है। तो ये आफ्टर प्ले करना बहुत जरूरी है, उसके उसमें संतुष्टि डेवलप हो जाएंगी, अच्छा लगेगा। नंबर सात, पोजीशंस बदलो, अलग अलग आसन में करो इंटरकोर्स, तो उसमें उसका इंटरेस्ट रहेगा, उस मजा आएगा, संतुष्ट हो जाएगी। आप जगह बदल सकते हैं, बेडरूम की जगह बदल सकते हैं, बेड बदल सकते हैं, वातावरण बदल सकते हैं। कभी कुछ लोग होटल्स में जाते हैं, कभी वीकेंड में जाते हैं, वहाँ बुकिंग करते हैं, वहाँ इंटरकोर्स करते हैं, तो उसमें उसको अच्छा लगेगा। नंबर आठ, वो क्या लाइक करती है वो पोजीशंस, या वो कहाँ टच किया तो लाइक करती है, उसको कौन सी पोजीशन अच्छी लगती है वो पूछो। किस तरह से किया इंटरकोर्स, उसको मिशनरी पोजीशन अच्छी लगती है कि फीमेल सुपीरियर पोजीशन अच्छी लगती है कि डॉगी पोजीशन अच्छी लगती है, कौन सी पोजीशन उसको अच्छी लगती है, टेबल ऑन टॉप लगती है, पूछो उसको, और वो हिसाब से भी आप सेक्स कर सकते हैं। तो ये 8 प्रकार से आप करते हैं, और ये 8 गलतियाँ आप करेंगी नहीं तो डेफिनेटली पत्नी संतुष्ट रहेंगी और सेक्स में दोनों को भी मजा आएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, स्पेशली जिनको 1 या 2 बच्चे हो जाते हैं उसके बाद में इंटरेस्ट चले जाता है स्त्रियों का, और फिर वो ना बोलते रहते, उनको जरूर शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।